नमस्कार, आपका स्वागत है ओनली यूपीएससी चैनल में। मैं हूं वापी सिंह। आज आपके लिए विंड पोर्शन का हम अगला स्टेप लेकर चलते हैं, सीजनल विंड, जिसमें कि सीजनल विंड कहिए या सामयिक पवन कहिए, इनमें आपके ये विंड्स आएंगे। मानसून विंड यानी कि मानसून पवन, लैंड ब्रिज यानी कि स्थल समीर, सी ब्रिज यानी कि सागर समीर, माउंटेन ब्रिज यानी कि पर्वत समीर, वैली ब्रिज यानी कि घाटी समीर। सबसे पहले तो हम देखें कि सीजनल विंड्स कहते किसको हैं। ठीक है, तो ऐसे पवन जिनका समय के अनुसार या मौसम के अनुसार उनकी दिशा में पूर्ण परिवर्तन हो जाता है, तो ऐसे विंड्स को सीजनल विंड्स या सामयिक पवन कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं सिचुएशन कि पहला हमारा जो मानसून विंड का है, यहाँ पर क्या होता है कि मानसून विंड में अगर हम देखें तो इनकी जो ओरिजिन है मानसून विंड की, इनकी ओरिजिन ट्रेड विंड्स के बेल्ट में होती है, यानी कि 23 हाफ जो नॉर्थ है से लेकर 23 हाफ साउथ, ठीक है, इसके बीच में इनकी जो है ओरिजिन होती है मानसून विंड की। ठीक है, तो इस सिचुएशन में यानी कि इस दोनों लैटिट्यूड के बीच में, या आप ये कह लो कि ट्रॉपिकल बेल्ट यानी कि उष्णकटिबंध में ही मानसून विंड जो है अधिकतर पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम बताते हैं कि इसमें होता क्या है कि पहला तो पॉइंट ये हो गया इनकी ओरिजिन के बारे में, दूसरा पॉइंट कि ये हर 6 महीने पर इनके दिशा में परिवर्तन हो जाएगा, यानी कि अगर गर्मी का महीना है समर का टाइम, तो समर के टाइम में क्या होगा, ये सी टू लैंड इनका फ्लो होता है। ठीक है, यानी कि जलीय भाग से स्थलीय भाग की तरफ। तो अगर आप देखें कि हमारे जो इंडिया वाला पोर्शन है, तो इंडिया वाले पोर्शन में, खैर अभी एग्जांपल इंडिया वाला मैं बाद में लेता हूँ, पहले देखते हैं कि समर में क्या होगा, सी टू लैंड होगा, और विंटर में क्या होगा, यानी कि गर्मी में आपका सागरीय भाग से स्थलीय भाग की तरफ, जलीय भाग से स्थलीय भाग की तरफ, और जब जो है आपके विंटर्स आ जाएंगे यानी कि ठंडक का समय, तो स्थलीय भाग से ये जलीय भाग की तरफ इनका फ्लो होता है। ठीक है, लैंड टू सी। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या होता है कि जो स्थलीय स्थल से जो है लैंड की तरफ होता है विंटर वाला, ये उतना पावरफुल नहीं होता है। सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन होता है, सी टू लैंड, जलीय भाग से स्थलीय भाग की तरफ। ठीक है, तो ये हवा ज़्यादा पावरफुल होती है। अब सिचुएशन क्या होता है कि इन 6-6 मंथ में इनके दिशा में पूर्ण परिवर्तन हो जाता है, कि यानी कि अगर समर का केस देखें तो इसमें अगर डायरेक्शंस आपका इस तरफ से है, तो विंटर्स के केस में इनकी डायरेक्शन इस तरीके जो है इस तरीके से हो जाएगी, बिल्कुल जो है विपरीत दिशा हो जाएगी। तो जो मानसून है इनकी सिचुएशन सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है, यानी कि इनकी जो पूर्ण आदर्श दशा देखें अगर, तो दक्षिण एशिया, साउथ एशिया जिसमें कि आपका इंडिया आएगा, ठीक है, और साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, ठीक है, इन दो जगहों पर, दक्षिण यानी कि साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में इनकी आइडियल सिचुएशन बनेगी, आदर्श स्थिति बनेगी। ठीक है, मानसून विंड्स की। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो जलीय भाग है और स्थलीय भाग है, इनके अलग अलग स्वभाव की वजह से, जो जलीय भाग है वो क्या होगा, वो देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है, यानी कि उसको गर्म होने में भी समय लगता है और ठंडा होने में भी समय लगता है। और स्थलीय भाग क्या है कि वो जल की अपेक्षा शीघ्रता से गर्म भी हो जाता है और शीघ्रता से ठंडा भी हो जाता है। तो इन दोनों के स्वभाव में परिवर्तन होता है, इस वजह से ये दशा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो मानसून के कंडीशन में ये सिचुएशन होती है। अब अगर इंडिया वाला पोजीशन देखें
तो आप अगर देखें ये है, अब इधर आपका अरब सागर है, ठीक है, और इधर बंगाल की खाड़ी है, और नीचे इसके क्या है, इंडियन ओशन है, यानी कि हिंद महासागर। सिचुएशन क्या होगी समर की केस में, यानी कि 15 जून के बाद हमारे यहाँ मानसून आता है, माना जाता है ऐसा। अब क्या है कि समर के केस में हमने क्या बताया कि सी टू लैंड चलेंगे। अब होगा सिचुएशन क्या कि अगर हम इसको मान लें 0 डिग्री वाली लाइन, इक्वेटर वाली लाइन। अब हमने बताया कि समर का केस का मतलब क्या कि सन कहाँ होगा, सन की सिचुएशन 21 जून वाली कहाँ होगी, 23.5 पर होगी नॉर्थ में। यानी कि अगर हम ये पोर्शन ले लेते हैं तो 23.5 नॉर्थ, तो सन कहाँ है, सन इस समय यहाँ पर है, ठीक है, 23.5 पर है सन। अब इस सिचुएशन में क्या होगा कि जब सन यहाँ पर है तो हमने आपको बताया, याद करिए पिछली जो है वीडियो में बताया था कि जो ITCZ वाली बेल्ट है वो शिफ्ट हो जाएगी। अब ITCZ वाली बेल्ट कहाँ तक आ गई, आपको हमने बताया था कि ये जो मेन लैंड है इंडिया का वो 8 डिग्री 4 मिनट पर है। अब हमने बताया था आप पिछला वीडियो याद करिए कि 10 डिग्री तक आ जाएगा लगभग, यानी कि ITCZ जो है ये अगर 10 डिग्री माने, ये 5 डिग्री मान लें, तो ये ITCZ बन रही है, ठीक है। अब क्या होगा कि जो ट्रेड विंड साउथ वाली हैं जो आ रही हैं इधर, वो क्या करेंगे कि जीरो वाली क्रॉस करके, अगर वो ज़्यादा पावरफुल हो गई, जब मानसून ज़्यादा तीव्र होगा तो ये पावरफुल हो जाएंगी और जीरो वाली डिग्री जो है लाइन को क्रॉस कर जाएंगी। अब इधर का जो पोर्शन है, इसके बाद का पोर्शन है, ये आप देखिए, ये इधर वाला आपका स्टार्ट हो जा रहा है, अफ्रीका वाला पोर्शन स्टार्ट हो जा रहा है, ठीक है, ये अफ्रीका वाला पोर्शन स्टार्ट हो जा रहा है, तो ये भी विंड्स इधर से जो फ्लो होंगी। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि ये जो वाटर बॉडी है, ये वाटर बॉडी ज़्यादा गर्म होगा, ठीक है, और ये जो लैंड बॉडी है ये अपेक्षाकृत कम गर्म होगा। और सिचुएशन इसके अलावा जो ट्रेड विंड्स वाले हैं कि ये यहाँ से मूव कर जाएंगे और इनका फ्लो डायरेक्शन जो है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बीच से डिवाइड करें तो ये साउथ का पोर्शन, ये पश्चिम का पोर्शन यानी कि वेस्ट वाला पोर्शन, तो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ ये मानसूनी जो है पौने फ्लो होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि सन की लोकेशन यहाँ पर है, तो इस कंडीशन में जो स्थलीय भाग है वो ज़्यादा गर्म हो जाएगा, ज़्यादा गर्म होने से टेम्परेचर यहाँ जो है प्रेशर यहाँ लो हो जाएगा, और यहाँ का प्रेशर क्या है, वाटर बॉडी है, प्रेशर यहाँ हाई है, क्योंकि सदर्न पोर्शन का देखिए यहाँ पर जो है ये पूरा यहाँ सन की लोकेशन है नहीं, तो ये सदर्न पोर्शन का जो है टेम्परेचर क्या है अपेक्षाकृत कम है, कम टेम्परेचर की वजह से प्रेशर यहाँ हाई हो गया। अब हाई टू लो एयर फ्लो होंगी, और जब हाई टू लो होंगी तो ये इसकी कंडीशन बन जाएगी, तो ये मानसून वाली दशा यहाँ उत्पन्न हो रही है, ठीक है। अब हम अगला चलते हैं लैंड ब्रिज वाले कंडीशन में। लैंड ब्रिज यानी कि स्थल समीर, अब देखिए सिचुएशन एक हम बनाते हैं आपका यहाँ पर कि ये हमने ले लिया, ये हमने एक लैंड बॉडी स्थल ले लिया, ठीक है, और इसके एक तरफ हमने ये समुद्री भाग बना दिया, वाटर बॉडी, राइट, या समुद्र लिख लो सी, तो ये लैंड हो गया, ये सी हो गया। अब कंडीशन क्या होगा, आप नाइट के टाइम पर देखिए, अब हम ये बता रहे हैं लैंड ब्रिज नाइट सिचुएशन में, देखिए रात में, यानी कि सूर्यास्त के बाद की कंडीशन क्या होगी।
आपको पता है कि स्थल और सागर दोनों का स्वभाव अलग, जैसा मैंने पहले बताया कि जो वाटर बॉडी है देर से गर्म देर से ठंडी होगी, और लैंड बॉडी जल्दी गर्म होगा जल्दी ठंडा होगा। अब सूर्यास्त हो चुका है, सूर्यास्त के बाद सिचुएशन क्या होगी कि जो लैंड बॉडी है, ठीक है, इसका जो लैंड बॉडी है इसका टेम्परेचर क्या होगा, जल्दी से डाउन होगा, ठीक है, काफ़ी तेज़ी से टेम्परेचर इसका डाउन होगा। लेकिन वाटर बॉडी का टेम्परेचर वो जल्दी डाउन नहीं रहेगा। तो इन दोनों में अगर कंपेयर करें तो इसका टेम्परेचर क्या रहेगा, हाई रहेगा, ठीक है। अब इस सिचुएशन में क्या होगा कि जब ये टेम्परेचर डाउन हुआ, तो हमने बताया था कि टेम्परेचर और प्रेशर में इनवर्स रिलेशन होता है, ठीक है, यानी कि टेम्परेचर इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा, टेम्परेचर अगर घटेगा तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। तो टेम्परेचर कम हो रहा है यहाँ, तो जब टेम्परेचर कम हो रहा है तो प्रेशर क्या होगा, टेम्परेचर कम हुआ तो प्रेशर बढ़ेगा, राइट, और यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर कम होगा, यानी कि वायु दबाव कम होगा। अब जब यहाँ वायु दबाव ज़्यादा हुआ स्थल पर और सागर पर वायु दबाव कम हुआ, तो आपको पता है कि हवा किधर से किधर फ्लो होगी, उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की तरफ, यानी कि उच्च वायु दाब यानी हाई प्रेशर इधर है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा फ्लो होगी, ठीक है। तो ये एक सर्कुलेशन पूरा बन जाएगा, ठीक है। तो चूंकि लैंड बॉडी से फ्लो हो रही है, सी तक जा रही है, तो हमने बताया कि जिस तरफ से फ्लो होती है उसी का नाम होता है, जैसे पछुआ पवन पश्चिम से फ्लो होती है और पूर्व की तरफ जाती है तो पछुआ पवन कहते हैं, पूर्वा पवन क्या होती है, वो पूर्व दिशा से फ्लो होती है, पश्चिम की तरफ आती है, तो उसका नाम पूर्वा पवन। वैसे ही ये लैंड ब्रिज चूंकि यानी कि स्थल समीर ये स्थल से फ्लो हो रही है, देखिए डायरेक्शन स्थल से फ्लो हो रही है और जा रही है सागर की तरफ, तो क्या नाम दे देंगे इसको, स्थल समीर, ठीक है, यानी कि लैंड ब्रिज। राइट, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। तो ये सिचुएशन कब बनेगी, रात में स्टार्ट होगी, ठीक है, यानी कि रात में क्या मतलब क्या, सूर्यास्त से, ठीक है, सूर्यास्त के बाद, यानी कि सूर्यास्त से प्रातः 8 बजे तक, ठीक है, लगभग एक लगभग समय है, एग्जैक्ट मत मान लेना इसको, ठीक है, सूर्यास्त से प्रातः 8 बजे तक ये सिचुएशन बनेगी, ठीक है, कि लैंड टू वाटर हवा का जो है फ्लो होगा। राइट, अब हम अगला चलते हैं सी ब्रिज की तरफ, ठीक है। सी ब्रिज को देखें, फिर वही फिगर बनाते हैं, अब ये कंडीशन हम कब चलेगा, ये दिन में चलेगा, डे टाइम में, ठीक है, दिन में कब से कब तक, सुबह हमने बताया कि प्रातः सूर्यास्त से लेकर शाम को सूर्यास्त से लेकर मॉर्निंग के 8 बजे तक चलता है, क्या कौन सा, लैंड ब्रिज, और सी ब्रिज क्या होगा, प्रातः 10 बजे से स्टार्ट होगा और सूर्यास्त तक, ठीक है। इस सिचुएशन में क्या होगा, आपका सी ब्रिज चलेगा। अब क्या हुआ, दिन में 10 बजे से के बाद से कंडीशन क्या होगा, जो सन रेज है डायरेक्ट पड़ेंगी। अब सिचुएशन क्या होगा कि
जो लैंड बॉडी है, ठीक है, और वाटर बॉडी है, दोनों के टेम्परेचर को देखिए, सिचुएशन क्या होगा। पहले वाले केस में जो समुद्र है, सुबह हमने बताया कि जो जलीय बॉडी है वो धीमे धीमे गर्म होता है, तो अगर दोनों का कंपेयर करें तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, और जो स्थल है इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ये जल्दी गर्म हो जाएगा, ठीक है। तो जब जल्दी गर्म हो जाएगा, टेम्परेचर इसका बढ़ गया, तो प्रेशर क्या होगा, यानी वायुदाब क्या होगा, वायुदाब कम हो जाएगा, क्योंकि विपरीत संबंध होता है, और यहाँ वायुदाब क्या होगा, प्रेशर, प्रेशर यहाँ बढ़ जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है कि हवा का फ्लो किधर होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, तो हाई प्रेशर समुद्र में है और लो प्रेशर कहाँ है, स्थल पर। तो अब क्या होगा सिचुएशन, कि समुद्र से स्थल की तरफ हवा चलने लगेगी, ठीक है। तो ये नाम, चूंकि समुद्र से आ रहा है तो समुद्र की तरफ से आ रहा है, तो समुद्री समीर, ठीक है, या जलीय समीर, कोई भी नाम कहिए, ठीक है। अब ये सिचुएशन क्यों हो रहा है, या सागर समीर भी कह सकते हैं, समुद्र समीर या सागर समीर। अब ये सिचुएशन क्यों हो रहा है, क्योंकि स्थल और जल दोनों के विपरीत स्वभाव के वजह से, ठीक है। तो मेरे ख्याल से लैंड ब्रिज और सी ब्रिज आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं माउंटेन ब्रिज और वैली ब्रिज की तरफ। माउंटेन ब्रिज एक फिगर बना लें, ये हमारा माउंटेन हो गया, ठीक है, और ये नीचे चला गया वैली वाला पोर्शन, ठीक है। तो यानी पर्वत और ये घाटी पोर्शन हो गए। अब यहाँ भी सिचुएशन क्या लेंगे, सबसे पहला चूंकि हमने लिया है पर्वत समीर माउंटेन ब्रिज, तो रात में क्या होगा सिचुएशन, रात में का मतलब सूर्यास्त के बाद, यानी कि सनसेट हो गया है, उसके बाद सूर्यास्त से प्रातः 8 बजे तक, इस सिचुएशन में ही आपका पर्वत समीर यानी कि माउंटेन ब्रिज चलेगा। कंडीशन क्या होगा, वही जैसा हमने इसके पहले बताया था। अब यहां तो जलीय भाग है नहीं, अब क्या होगा कि जैसे ही शाम हुआ, शाम सूर्यास्त हुआ, सूर्यास्त के बाद क्या होगा कि जो यहाँ का टेम्परेचर है माउंटेन का, ठीक है, वो कन्वेक्शन की वजह से जल्दी क्या होगा, ठंडा हो जाएगा, राइट। यानी कि टेम्परेचर इस भाग का तेजी से कम होगा। आपने देखा होगा या पहले पढ़ा होगा कि माउंटेन्स के पे चूंकि जो स्नो वगैरह होते हैं या ओपन एरिया भी होता है, तो इस वजह से चूंकि एक हाइट पर है तो इसका टेम्परेचर काफ़ी तेज़ी से कम होगा, राइट। क्योंकि जो वैली वाला पोर्शन है वो डीप पोर्शन है और काफ़ी झाड़ियों से ढका भी रहता है, तो इसका टेम्परेचर अपेक्षाकृत इसके जल्दी कम नहीं होगा, इसका टेम्परेचर थोड़ा सा हाई रहेगा, धीमे धीमे कम होगा। अब सिचुएशन क्या होगा कि जब इसका टेम्परेचर कम होगा तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर इसका हाई होगा, ठीक है। और वैली में क्या है, इस घाटी में कि टेम्परेचर यहाँ अपेक्षाकृत अधिक है, तो जब टेम्परेचर यहाँ अधिक है तो जो प्रेशर है यानी कि वायुदाब है वो क्या होगा, वो निम्न होगा, ठीक है, वायुदाब कम होगा।
और होता कैसे है, हमने बताया था अभी आपको कि कन्वेक्शन की वजह से, ठीक है। तीन चीज़ें होती हैं, कन्वेक्शन होता है, कंडक्शन होता है और रेडिएशन होता है, यानी कि संवहन। कन्वेक्शन मतलब संवहन, कंडक्शन मतलब चालन, और रेडिएशन का मतलब विकिरण होता है। कन्वेक्शन में क्या होता है कि जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर मतलब पर्टिकुलर जो भी बॉडी है, जैसे मान लें कि ये बॉडी है तो यहाँ से टेम्परेचर ऊपर निकलेगा, राइट। एक सपोज कर लो कि ये अर्थ सरफेस है, ठीक है। अब क्या होगा कि जो कन्वेक्शन है, पहले संवहन में बता रहा हूँ, संवहन में जो टेम्परेचर है वो ऐसे निकलेगा, ठीक है। तो ये हो गया कन्वेक्शन, लेकिन इसकी एक लिमिट होती है कन्वेक्शन की, काफ़ी हाई तक नहीं जा सकता है, ठीक है। अब दूसरा हम बता रहे हैं, ये हमने संवहन बताया, कन्वेक्शन बताया, दूसरा हम बता रहे हैं कंडक्शन, चालन। उसमें क्या होता है कि जैसे मान लिया कि ये अर्थ सरफेस है, इस सरफेस से लगा हुआ जो एयर का एरिया है, ये एक बेल्ट। अब ये बेल्ट गर्म हो जाए, फिर ये बेल्ट अपनी एनर्जी दूसरे वाले बेल्ट में ट्रांसफ़र कर दे, फिर ये बेल्ट अगले बेल्ट में ट्रांसफ़र कर दे, यानी कि इसके लिए ज़रूरी है कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी का टच होना, ठीक है। इस तरीके से कंडक्शन में होता है, यानी कि एक बॉडी के संपर्क में दूसरी बॉडी आती है, दूसरी बॉडी के संपर्क में तीसरी बॉडी आती है, तो इस तरीके से हीट का ट्रांसफ़र होता है कंडक्शन में, चालन में। तीसरा नाम आता है रेडिएशन, विकिरण का। अब जैसे रेडिएशन है, उसमें कन्वेक्शन में हमने बताया कि एक लिमिट होती है, ठीक है, लेकिन रेडिएशन में क्या होता है, रेडिएशन की लिमिट नहीं होती, ये रेडिएशन अनलिमिटेड, ये अपनी एनर्जी को काफ़ी दूर तक ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। तो जैसे सन में रेडिएशन जो होता है वो शॉर्ट वेव के रूप में होता है, और अर्थ से जो रेडिएशन होता है वो लॉन्ग वेव के रूप में होता है, ठीक है। तो शायद आपको ये तीन चीज़ें क्लियर हुई होंगी, कन्वेक्शन, कंडक्शन और रेडिएशन, ठीक है। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है, अभी अर्थ का ही पार्ट है, क्योंकि इन तीनों ही वजह से क्या होगा, टेम्परेचर काफ़ी तेज़ी से डाउन होगा, जब टेम्परेचर डाउन हुआ तो प्रेशर क्या हो गया, यहाँ हाई हो गया माउंटेन पर, और घाटी में क्या हुआ, टेम्परेचर अपेक्षाकृत, जिसकी अपेक्षाकृत हाई है तो प्रेशर लो हो गया। अब आपको पता है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा फ्लो होती है, तो ये लो भाई, हाई टू लो, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, माउंटेन ब्रिज कहलाएगा, क्योंकि माउंटेन से जा रहा है, हम बार बार बता रहे हैं जिस तरफ से जाएगा उसका नाम लेंगे, माउंटेन से जा रहा है वैली की तरफ, तो इसलिए पर्वत समीर, ठीक है, यानी कि माउंटेन ब्रिज जो कहेंगे, ठीक है। अब अगला हम बताएंगे आपको वैली ब्रिज, वैली ब्रिज में क्या होगा, फिगर यही रहेगा, थोड़ा सा परिवर्तन होगा, इसलिए सारा हम नहीं मिटा रहे हैं, आप लोग भी फिगर ऐसा ही बना लें, बस इसके डायरेक्शन में थोड़ा सा परिवर्तन होगा। फिगर यही रहेगा, अब घाटी समीर क्या होगा, ये दिन में सिचुएशन होगी, दिन में कब, वही प्रातः 10 बजे से सूर्यास्त तक, ठीक है। सिचुएशन क्या होगा अब की बार कि जब दिन हो गया, समय 10 बज गया, तो अब कंडीशन क्या होगा कि टेम्परेचर दिन के समय क्या होगा, यहाँ पर हाई होगा, ठीक है, और जो घाटी वाला पोर्शन है यहाँ टेम्परेचर क्या हुआ, अपेक्षाकृत टेम्परेचर यहाँ लो है, माउंटेन पर टेम्परेचर हाई है, तो जब यहाँ टेम्परेचर हाई हुआ तो प्रेशर क्या होगा, वायुदाब
और पॉजिटिव रिलेशन होता है इसलिए वायुदाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और टेम्परेचर यहाँ लो है तो वायुदाब क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। अब आपको पता है कि जो हवा का फ्लो होगा वो किधर से होगा, उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ। तो चूंकि वैली में जो हवाएं हैं वो कैसी हैं, ठंडी हैं, तो भले ही ठंडी हैं लेकिन उनका फ्लो क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये चूंकि वैली से आ रही हैं, घाटी से आ रही हैं, तो इसलिए उन्हीं के नाम पर क्या हो जाएगा, ये घाटी समीर। और ये हवा का नेचर क्या रहेगा, ये ठंडी हवा रहेगी। ठीक है, मेरे ख्याल से ये सारे टॉपिक आपको क्लियर हुए होंगे कि मानसून विंड, लैंड ब्रिज, सी ब्रिज, माउंटेन ब्रिज और वैली ब्रिज क्या है। अब आपको कुछ चीज़ें माइंड में रखनी हैं। आपने देखा कि लैंड ब्रिज, ये माउंटेन ब्रिज, ये दोनों सिचुएशन कब हो रहे हैं, ये दोनों सिचुएशन रात में हो रहे हैं। ठीक है, और सी ब्रिज, वैली ब्रिज, ये कब हो रहे हैं, ये दिन में हो रहे हैं। तो इन चीजों को भी आप दिमाग में रखिएगा। ठीक है, अब लैंड ब्रिज और सी ब्रिज की वजह से सिचुएशन क्या होता है कि ऐसे एरिया जो सागर तटीय होते हैं, जैसे अपना बॉम्बे हो गया या फिर जो भी कोस्टल एरिया है, ठीक है, तो इन एरिया में समकारी प्रभाव होता है जिसकी वजह से जो वहाँ का मौसम होता है काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी सुहावना होता है, ना तो ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंडक होता है। और इसमें अगर देखा जाए तो सी ब्रिज ज़्यादा स्ट्रांग होती है, और ये अगर लैंड एरिया में देखा जाए तो लगभग 50-60 किलोमीटर तक अंदर ये इंटर कर जाती है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप माइंड में रखिएगा। राइट, अब हम जो पिछला वीडियो में हमने क्वेश्चंस पूछा था, कुछ क्वेश्चंस पूछा था, उसके हम आपको आंसर्स बता रहे हैं। तो जो पहला क्वेश्चन मैंने पूछा था कि मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का अनंतास क्या होता है, यानी कि जो एंगुलर डिस्टेंस या एंगल होता है वो क्या होता है, तो उसका जवाब पहले क्वेश्चन का है डी, 66.5 डिग्री। जिन्होंने भी कमेंट किया 66.5, उनका वो जवाब सही है। राइट, फिर जो दूसरा क्वेश्चन है पूछा था हमने कि दिन रात किस कारण होते हैं, ठीक है, उसका जो आंसर होगा वो सेकंड बी वाला होगा, भू परिभ्रमण की वजह से, यानी कि अर्थ के रोटेशन की वजह से, 24 घंटे में वो अपने एक्सिस पर रोटेट करती है, इस वजह से जो है दिन और रात होते हैं। ठीक है, मौसम पर का जो परिवर्तन होता है जल जो है वो किसकी वजह से होता है, पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने की वजह से होता है। ठीक है, 365 दिनों में जब सूर्य के अलावा वो चक्कर लगाती है तो मौसम का परिवर्तन होता है, दिन रात का परिवर्तन उसके एक्सिस पर रोटेशन की वजह से होता है, जो 24 घंटे में एक बार होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैंने पूछा था कि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर किसके कारण बनता है, उपोष्ण उच्च दाब किसके कारण बनता है, तो उसमें जो आंसर होगा वो होगा अवरोही वायु के कारण, यानी कि ऐसी वायु जो डिसेंडिंग जो डिसेंड होती हैं यानी कि नीचे उतरती हैं। ठीक है, तो जैसे सब ट्रॉपिकल बेल्ट वाला 32-35 वाला एरिया हो गया जो अश्वच्छांश वाला है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि हवा नीचे उतरती है, इस वजह से प्रेशर हाई हो जाता है और वही वायु होगा कारण उसका। एक अगला क्वेश्चन मैंने पूछा था कि ग्रीष्म संक्रांति के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर आपको सेलेक्ट करना था। तो फर्स्ट था आपका कि सूर्य कर्क रेखा पर होता है, यानी सन की लोकेशन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर होती है। सेकेंड वाला था कि सन की लोकेशन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर होती है। थर्ड था कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन सबसे छोटी रात होती है।
और फिर फोर्थ लोकेशन, फोर्थ स्टेटमेंट था कि साउथ हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट और थर्ड सही है, ठीक है। फर्स्ट थर्ड क्या था कि सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर होता है, ये सही है। और थर्ड क्या था कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है, ठीक है। तो जिन जिन लोगों ने इससे मिलता जुलता आंसर दिया है, ये आंसर दिया है, उनके सही हैं। और जिन लोगों ने आंसर नहीं दिया है उन लोगों को एक बार दोबारा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने चाहिए, या कुछ गलत हो गए हैं तो उनको रिवाइज कर लेना चाहिए, ठीक है। अब आज के लिए नए क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चन देखिए। तो आज के क्वेश्चन पर हम चलते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि कौन से वो डेट हैं कि जब दोनों हेमिस्फीयर में दिन और रात बराबर होते हैं, दोनों ही गोलार्ध में दिन और रात बराबर होते हैं। ये पीसीएस 2004 में आया है, यूपी पीसीएस में। तो जो डेट हैं, ये चार डेट दिए हुए हैं। ये पहला क्वेश्चन है, 21 जून, 22 दिसंबर, 21 मार्च एंड 23 सितंबर, 21 जून एंड 22 दिसंबर। तो इन चारों में से कौन सा आंसर सही होगा ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। 1 A B C D, 1 का कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के लिए है कि पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है, यानी कि डेजर्ट लैंड अर्थ पर सबसे अधिक कहां पर पाए जाते हैं ये आपको बताना है। ये चार ऑप्शंस हैं, 0 डिग्री लेटिट्यूड के पास, 23 डिग्री लेटिट्यूड के पास, 50 डिग्री लेटिट्यूड के पास और 70 डिग्री लेटिट्यूड के पास, ठीक है। तो इनमें से आपको बताना है कि किसके पास जो है डेजर्ट यानी कि मरुस्थल सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ये आपका, ये है क्वेश्चन कि वर्ष भर रात और दिन कहाँ बराबर होते हैं, ठीक है। ये भी MPPCS 95 में आया हुआ है, और ये वाला क्वेश्चन सेकंड वाला BPSC बिहार PCS में आया हुआ है 41 में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखें कि ये क्वेश्चन क्या था कि वर्ष भर रात और दिन कहाँ बराबर होते हैं। तो नॉर्थ पोल पर, साउथ पोल पर, या इक्वेटर पर, या कहीं नहीं। तो इनमें से आपको बताना है कि सही आंसर क्या होगा। चौथा क्वेश्चन है, इसमें आपको सही कौन सा जो है कॉलम है, यानी कि साइड ए ये है, साइड बी ये है, इन दोनों में से किसका मिलान सही है, ठीक है, वो आपको बताना है। पहला है ए वाले में भूमध्य सागरीय क्षेत्र, आगे है गर्मी की वर्षा। दूसरा, भूमध्य रेखीय क्षेत्र, गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में यानी दोपहर के बाद। तीसरा, मानसूनी क्षेत्र यानी कि पूरे साल भारी वर्षा। चौथा है मरुस्थली क्षेत्र यानी कि जाड़े की वर्षा। अब इसमें बताना है आपको इन चारों ऑप्शन में से कि कौन सा सही मैचिंग किया गया है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब ये क्वेश्चंस कुछ आपको हेल्प भी करेंगे कि जो पिछला वीडियो आपने पढ़ लिया है कि उस पर डिपेंड या उस पर बेस्ड ये क्वेश्चंस हैं, और एक आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बनेगी कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। हम आपसे और भी क्वेश्चंस ऐसे ही पूछते रहेंगे जो आपका सिलेबस हम कवर करते रहेंगे। अब एक क्वेश्चन हम आपसे जो है पूछना चाह रहे हैं जो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से है, वो लगभग इसी का क्वेश्चन का डिटेल है, एक आप और ब्रीफ में लिखेंगे। वो क्वेश्चन ये है कि क्या कारण है कि महाद्वीपों के पश्चिमी क्षेत्र में ही अधिकतर मरुस्थल पाए जाते हैं, यानी कि जो डेजर्ट्स लैंड हैं वो अधिकतर महाद्वीपों यानी कॉन्टिनेंट्स के वेस्टर्न पोर्शंस में ही अधिकतर क्यों पाए जाते हैं, इसका रीजन आपको लिखना है। लगभग लगभग आप अपने अपने कॉपियों में लिखिएगा, लगभग 150 या 200 शब्दों में लिखिएगा इसको, और देखिएगा कि क्या वजह है इसका, ठीक है। दो वजह तो मैंने बताया है, इसके अलावा भी कुछ और भी कारण है एक दो, उनको भी आप उसमें मेंशन कीजिएगा। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही।
थैंक यू। अगला वीडियो फिर हम लेकर आएंगे जिसमें कि हम आपको मैप के बारे में बताएंगे। देखिए अब मेरा इस हफ्ते का अगला वीडियो लास्ट वाला वीडियो होगा जिसमें हम आपको इंडिया के मैपिंग के बारे में बताएंगे। और जो इंडिया का मैपिंग होगा, हमने बताया था पहले भी इसके पहले वाले वीडियो में कि 6 या 7 पेज आप छोड़ के रखिएगा, आगे हम बताते रहेंगे। और इसके में इसमें जो विंड्स वाला पोर्शन अभी बचा हुआ है, जो लोकल विंड्स, उसको हम उसके बाद वाले पोर्शन में कवर करेंगे, ठीक है। तो मैपिंग का वीडियो हम हर हफ्ते लास्ट में देते रह रहे हैं। जब इंडिया वाला मैपिंग फिनिश हो जाएगा उसके बाद हम फिर वर्ल्ड की मैपिंग भी स्टार्ट करेंगे। तो जो मेरा लास्ट वीडियो रहता है वो मैपिंग के बारे में रहता है। तो जब मैपिंग के बारे में जब मैं वीडियो जो है बताऊँगा तो हमेशा उसके बाद कुछ पेज आप छोड़ के रखिएगा, ऐसा ना हो कि ताकि आपको इरिटेशन हो कि सर पहले ये पढ़ा रहे थे फिर उसके बाद सर ने दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं है। मैं पहले बताया था कि मैपिंग का वीडियो हम जरूर स्टार्ट करेंगे, वो लास्ट का वीडियो हमारा मैपिंग का वीडियो रहेगा। तो इसके बाद का वीडियो हमारा मैपिंग वाला रहेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।